मुगल लोग तोड़े कैसे पता? ये हटा दे वो बताया महाराज। हाँ क्या बनाया है यार इसको, इसके ऊपर का पूरा छत उठ गया है। मंत्री ये भी है यहाँ, आदेश देगा तो खुल जाएगा। गाइस ये है सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर। क्यों बाबू तो लिखे ना द्वार। जय गणेश महाराज। कितना पुराना है भाई, मजा आ गया। जय माता रानी। हाँ का चीज बाबू? यहाँ रही सुई ना भैया, ये सब कलयुग का नहीं है, पहले का। तेरी क्या स्ट्रक्चर है यार। गाइस बहुत सही है यार ये तो। मेरे नाना का बोलना है कि ये सब अभी का मूर्ति नहीं है, सब बहुत पुराना सतयुग का मूर्ति है, कलयुग में ऐसा मूर्ति नहीं बना पाएंगे। बात तो सही है, देख रहे हो ये अभी हालांकि बहुत टूट गया है, पर वो स्ट्रक्चर देखा मैं उसका तो मजा आ गया यार। देखा जूम करके आपको दिखाया मैंने, और देखो ऐसे पत्थर रख के गए हैं सब लोग, और इसने भी ऐसा पत्थर रख के ऊपर पत्थर रखा है। पता नहीं इसका मेरे को मतलब पागल करती है ना। हाँ बता काबा रखे रेस। सॉरी गाइस मैं इसको पागल बोला था, बता ना। अब बता घर बना दे, घर बना दे। तेरे किसी को भी नहीं पता इसका मतलब, पहली बात तो नहीं मोर उतना घर बन रही बात में ऐसे है का? नहीं वो ना जो पत्थर रखो ना धीरे धीरे बड़े होते हैं। अच्छा ऐसे नहीं क्या दिनों में धूल बैठा जाए पहाड़ में। अरे तेरी तो देख रहे इसका लॉजिक। पता नहीं उधर एकदम मस्त बहुत दूर पे व्हाइट मंदिर था, क्या चीज का था मेरे को पता नहीं, पता करते पूछते उधर। जो व्हाइट वाला मैंने पूछा गायत्री मंदिर है, तो इधर से ही जाते हैं अभी अपन तो। पता नहीं शायद यहाँ से तो नहीं जा पाएंगे, और कभी आएंगे तो जरूर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर है और चल के जाना पड़ेगा, टाइम चाहिए। और ऐसे सब मंदिर के लिए अभी क्या है बहुत टाइम हो गया यार, अभी सर पे धूप तो अपन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अपन चप्पल भी नहीं पहने। फिर से बंदर का झुंड मिल गया हम लोगों को पूरा, यहाँ तो फल्ली खा रहे पूरा फोड़ फोड़ के। नैतिक को पकड़ो, पकड़ो नैतिक को तुरंत पकड़ो पकड़ो। देख रहे हो रुक गया, आना पकड़ पकड़ पकड़। देखो पानी पी रहे हो। अरे यार हट यार, देखो हाथ से दे रहे, बहुत सही है। अपन ने भी दिया उधर, वो देखो वहाँ पे घोड़ा है। अपन सोच रहे थे कि खाली यहाँ पर गधा होगा, पर यहाँ घोड़ा भी है। शंख बाप रे इतना सारा। हाँ तोला तो सब आते नहीं। गाइस ये है सबसे ज्यादा प्राचीन मंदिर। क्यों बाबू तो लिखे ना द्वार में? कहाँ वो लिखे बोर्ड में? गाइस उधर बोर्ड वोर्ड में लिखा हुआ था, मैं दिखा नहीं, रुक देखता हूँ भाग के जाके। ये है और उधर भी बहुत लिखा हुआ था, पता नहीं मैं डिटेल दिखाने बैठूंगा तो लेट हो जाएगा, बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। गाइस ये है फुल प्राचीन मंदिर। कौन सा प्राचीन? भाई बहुत सही है यार। निकाल फोटो। जय नंदी महाराज। ओ भाई ये है प्राचीन मंदिर, मजा आ गया यार। देखो पत्थर गिर गया ऐसा लग रहा है, क्या बनाए हैं यार इसको, इसके ऊपर का पूरा छत टूट गया है, इसको कुछ खंबा खुंबा बोल रहे हैं शायद। पूरा ऊपर कैसे मूर्ति है यार, बहुत सही है। ये है अपना शिव भगवान का, वो तेरी अंदर मैं वीडियो नहीं बना। बहुत सही मंदिर है यार ये, मतलब सादा ऊपर नीचे है, मतलब सही से टूट फूट गया है, पर बहुत सही मंदिर है। इसके पूरा चारों तरफ वो मूर्ति है मंदिर के, देखो इधर भी नर्मदा और गोदावरी का नदी, तीन प्रकार की। गाइस ये है डैम, चार प्रकार की नदी है चार प्रकार। उधर भी एक छोटा सा मंदिर है यार गाइस, और बीच में एक टापू क्या है यार, बहुत तगड़ा व्यू है यार। बीच में टापू देखो ना, बीच में डैम के ऊपर टापू है, और डैम कितना बड़ा है, और उधर चार प्रकार की बहुत तगड़ा है। ये देखो ऐसा कुछ है यार, चार प्रकार ये खतरनाक खतरनाक, इसको बोलते हैं बेस्ट जगह जन्नत, दिस कॉल जन्नत राइट। भाई क्या बारीकी से मूर्ति को बनाया गया, और अभी भी वैसे ही सब सॉलिड है यार ये। अंदर शिव जी को देखो जल चढ़ रहा है इधर से, यार ये मतलब मजा आ गया। पिल्लर पिल्लर
ये गाइस यही तो है यार असली मजा, यही सब चीज तो देखना चाहिए। क्या बोलते हो पब्लिक, इसको तो वीडियो बना दे। वही तो मुगल लोग तोड़े, मुगल लोग तोड़े कैसे पता? ये हटा दे वो बताया महाराज, यहां के हटा। हां हां वो तोड़ा हुआ है, तोड़ा ये मंदिर था, वो महाकालेश्वर से भी पुराना मंदिर, ये तोड़ दिए गाइस। ये महाकालेश्वर से भी पुराना मंदिर यार, इसको मुगल लोग सब तोड़ दिए यार। ये सब गलत है यार, रखना चाहिए था यार। ऊपर का पूरा छत तोड़ दी, तभी तो मैं सोचू ये सब इतना सॉलिड है तो ऊपर का कैसे गायब हो सकता है। चलो मेरे नाना देखो गुस्सा हो रहे, चलो इधर देखते हैं दर्शन करते हैं। वो भाई ये वाला मेरे नाना बता रहे सब तोड़ दिए। देखो ये तोड़े हुए पत्थर हटाए हैं यहाँ से। हाँ यार हटाए हैं वो, ये पूरा यहाँ से पत्थर हटाए। देखो इधर क्या मंदिर है यार, ये पूरा मतलब मजा आ गया यार। ये गलत है, देखो उसका पूरा अलग से बाउंड्री दिख रहा है मंदिर का। वो देखो वहां भी कुछ है एक, देखो पूरा पत्थर हटा दिए। हाँ बाबू ये पूरा सीढ़ी है, देखो पूरा एक ही सार का है, पूरा एक जैसा ही यार है तो चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ है, चारों तरफ ऐसे पूरे पिल्लर। मंदिर वो था बस, मंदिर यही ये है, पिल्लर नहीं, ये स्लैब टूटा है। वो देखो वो स्लैब था। हाँ, पत्थर का वो निकाल के फेंके हैं वो कुंदरी वाले, वो देखो, वो देखो झाड़ के पास ऊपर का छत तोड़ दिए उसको फेंके हैं वो। अरे यार ये चीज तो गलत है यार। चलो मुगल लोगों को मार, पूरा मंदिर है ये, घूमने के लिए थे पूरा था ये पूरा भ्रमण करने के लिए था यार, घूमने के लिए। ये पत्थर देखना ढाई ढाई तीन तीन फीट चौड़े के, वही तो मैं सोचू इधर का एक एक बारीके से वो सब पत्थर का पूरा स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ और ये कैसे गिर सकता है। ये ढला तोड़ दी वो सब फेंके सब पूरा तोड़ दिया यार। मंदिर यहीं का है, ये जितने जो है ये पूरे यहीं का है, फेंके सिर्फ वो पत्थर का दीवार था वहाँ सीट बस। चलो मुगल को चलो नीचे से ले लेते, नीचे से लेगा जाएंगे। चलो ये मूर्ति का है, चक्का नहीं है, साले की एकर पूरा। हाँ ये सब स्ट्रक्चर है, ऊपर वो गुंबद उम्बद बनाई हुई गोल वाले, देखो कैसे बने। हाँ यहाँ पूरा खम्बा रहे, ऐसे ऐसे खम्बा रहे यहाँ भी, ये पूरा इसके जैसा ही देखो खम्बा। हाँ पूरा मैच हो रहा है, पूरा खम्बा होगा गाइस, पूरा तोड़ दिए। हाँ देखो कुर्सी जैसे दो। हाँ चलो चलो हो गया ना, ये देखो मेरे नाना दिखा रहे पूरा ये लोहा कहाँ तक होगा वैसा, पूरा फसा फसा के जॉइंट में, फसा फसा के जॉइंट किए हैं सब। और कई लोहा तो निकल भी गया है यहाँ से, वही इसको बोलते हैं प्राचीन मंदिर। मजा आ गया यस, यही सब चीज तो देखने में मजा आता है यार। शिट इसको कैसे कैसे तोड़े, वही मैं भी सोच रहा हूँ। ये पानी बोतल अपना तो नहीं है ना, है बापरे। नैतिक नैतिक थक गए, चार नदी देखे वहाँ बांध बने हैं, देखे। हाँ देखे थक गए वो चारों नदी, ये थक गए सब बैठ गए यार, बेचारा क्या कर सकते छोटा। ये है नीचे से देखो पूरा हाथी, ये चारों तरफ ऐसा ही पूरा स्ट्रक्चर है और चारों तरफ ऐसे ही पूरे पिल्लर है। बहुत सही यार, यही सब चीज देखने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है। एक माता है, ये देखो इधर सिक्का फेंक फेंक के चिपकाया जा रहा है यार यहाँ पे तो। अरे यार पूरा पानी आ गया, यहाँ तो पूरा पानी खाली है और ये डैम है। हाँ मंत्री ये भी है, यहाँ आदेश देगा तो खुल जाएगा, देख के गिर जाते। नाना बोल रहे इस पे बहुत पैर जल रहेगा, इस नहीं सही बात है नाना, नहीं मैं भी मानता हूँ यार, एक मतलब यहाँ 5 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, इधर से ही धूप हो रहा है ना, इतना ज्यादा पैर जल रहा है। मैं दिल से बताऊँ ना, अभी हम लोगों ने जितना भी घुमा है ना ये जर्नी पे उज्जैन से लेकर के इधर तक, ये मेरे को अभी जो पुराना मंदिर देखे ना ये सबसे बेस्ट लगा यार, यही सब चीज देखने में बहुत मजा आता है मेरे को। इधर ऊपर में भी देखो कुछ ना कुछ है, मंदिर वंदिर बहुत है, और उधर भी था एक व्हाइट कलर का, पर अपन नहीं जाने वाले हैं क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, अपन यहाँ से डायरेक्ट मंदिर चलते हैं। पूरा ओंकारेश्वर का परिक्रमा कर ली अपन, थोड़ा और बचा है। इस प्राचीन चमत्कारी हनुमान मंदिर है यहाँ पे, किसी के जाने का हिम्मत नहीं है उधर, बाद में जाएंगे अपन और कभी आएंगे तो, हालांकि हम जा सकते हैं पर छोड़ो अभी, सब नाना वाना भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, उनका भी पैर पूरा जल गया है तरीके से। ये देखो क्या लगा है यार, ये पूरा काटा वाटा है ऊपर, ऐसे कुछ चढ़ भी नहीं पाए। अपन ने जो अभी सबसे पुराना मंदिर देखा ना, अभी बता रहा है मेरे को
पांच पांडव लोगों ने बनाया था यार वो मंदिर को, बात सही है। उधर पीछे हाँ पहले का युग का है, कोई भी बनाया ऐसा बोलना है इनका, पता नहीं यार गाइस अब हर किसका अलग अलग बोलना है। नहीं नहीं आज के लोग कोई नहीं बना पाएंगे वैसा मंदिर। अरे ये कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, गाइस अपने को इधर नहाने में बहुत मज़ा आता है यार। अपन उधर बहुत गहरे पानी में नहा लिए थे, इधर भी हालांकि गहरा है पर इधर इतना रिस्क नहीं यार, इधर नहाना चाहिए था यार। सिर्फ अपन सुबह नहाने का प्लान था पर लेकिन यार अपन घूम लिए बहुत सारा जगह, अपने पास टाइम बहुत कम है। अभी 12 बज गया, अपनी शाम को 4 बजे ट्रेन है तो अपने को निकलना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी अपनी। गाइस ये भी क्या दिख रहा है यार, एकदम खतरनाक पत्थर है। इस ब्लॉग का जो भी क्लिप होगा ना मैं पूरा डालूंगा, आधा घंटा बनेगा ना आधा घंटा का पूरा डालूंगा, पर लेकिन मैं एक क्लिप ना जहां मेरे को लगेगा काटना चाहिए वहीं का काटूंगा, पर ऑलमोस्ट सब डालूंगा यार जितना लंबा बने ब्लॉग। क्योंकि ये क्लिप मैं आप लोग के देखने के लिए चाहे देखो चाहे मत देखो, आप लोग ऑब्वियसली देखोगे, पता नहीं आधा देखोगे या पूरा देखोगे, पर लेकिन मैं अपने मेमोरी के लिए पुल जितने मिनट का बनेगा मैं वो पूरा डालूंगा यार। पुल तो बंद है, पुल के ऊपर से कैसे जाएंगे, पंडित मन भर है जी वो हमर भर नहीं। हाँ जो पुल कमजोर हो गया तो उधर से जाने नहीं देते किसी को, सिर्फ महाराज लोग जाते हैं वहाँ, बह नहीं जाना। और इन जैसे लोग तो चढ़ गए तो पुल गिरना निश्चित है, खाली कुत्ते फानते रहते हैं, पैर पे छाला पड़ रहा है, फोड़ा हो रहा है, खाली पैर तो अपन चढ़े हैं यार पूरा इतना ज्यादा। ओ यार वो देखो नाव डूब गया वहाँ तो। फिर अपन अभी नहाने का प्लान कर रहे हैं, अपन नहाने जाने वाले हैं और अपने को बोतल में पानी भी भर के लेके जाना है ना, तो मैं तो नहाऊंगा और वो मानसून आएगा, बाकी का तो पता नहीं। तो अपन इधर नहाने वाले हैं, इधर कोई नहीं नहा रहा है, उधर इधर कह रहे हैं अगर अपन उधर जाएंगे ना बहुत टाइम हो जाएगा, अपन यहीं पर ऊपर नहा लेते पानी ले लेते। नहा बस और निकल उड़ सकता हूँ।
एक नॉर्मल नील ले ले। रीडिंग हो रहा है अंदर यार, बहुत स्लिपरी पत्थर है और एकदम लूप में पत्थर है, फट से कटता है एकदम, और बहुत जगह पैर फंस रहा है और पानी बार बार खींचता है अंदर की तरफ। चलो धन पानी पे जो नाव दिख रहा है ना, मैं यहाँ कूद कूद के बहुत नहाए और मजा आ गया। और ये जस्ट नाव है ना, जो यहाँ पे भी बहुत गहरा है और वहाँ पे भी बहुत गहरा है। मतलब मेरे को तो, मैं क्या है, शूट नहीं कर पाया व्लॉग क्योंकि मैं खुद पानी पे नहा रहा था और ये लोग उधर दूर पे थे, ये लोग को बुलाया और मैं छोटा छोटा क्लिप शूट किया। मैं उधर से इधर तहर के आऊंगा बोला, मैं बस इसलिए डर गया क्योंकि वहाँ पास मेरे को बहुत ऐसा उछला हुआ दिखा कुछ, इसलिए मेरी फट गई। मैं बोला नहीं यार, रिक्स लेना बेकार है, नहीं तो यार बहुत मज़ा आता उधर से इधर तहरते आता। तो मैं जब अपने दोस्त यार लोग रहते ना, तो वो लोग फुल तैरने आता है, जैसे अपना गुलशन को भी अच्छा तैरने आता है और दो तीन लोग है उधर, तो सबको अच्छा तैरने आता है। रायपुर में अपन ब्लू वाटर पे नहाए थे, मैं उसका कभी एक बार और ब्लॉग बनाऊंगा। वो लोग के साथ रहना तो डर नहीं लगता, पर इधर क्या है, बच्चे, ये एक बच्चा इसको भी सही से तैरते नहीं आता और वो लोग रहने से मेरे को डर नहीं लगता ऐसा। मतलब इधर बहुत रिक्स है यार, मतलब और कोई नहीं था नहाने के लिए, मैं अकेला नहा रहा था और ये छोटा, इसलिए फालतू रिक्स लेना बेकार है। गाइस मेरे नाना यार बहुत भरे नहाने के बाद, पता है उधर कुछ नहीं बोले क्योंकि मैं अंदर पानी में घुस चुका था। पानी से जैसे बाहर निकला ना, मेरे को बहुत चिल्ला कि आजू बाजू यार वहाँ कोई नहीं नहा रहा था, सब दूसरी जगह नहा रहे थे। अब क्या कर सकते, अब वो लोग सब लोग आगे पे नहा रहे थे, हमारे पास टाइम भी बहुत कम था, तो हम लोग बस इधर ही थोड़ा डुबकी लगा ली शौक के कारण। पर बहुत चिल्ला यार बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका बोलना ये है कि जहाँ सब लोग रहते हैं तो वहाँ कुछ लोग बचाने भी आ सकते हैं अगर से कुछ हुआ तो। दूसरी बात की कुछ तो भी होता है ना ऐसा, जादू वीदू ऐसा कुछ तो भी, तो ऐसा पानी खींच लेते हैं बोलते, तो उधर जाना बहुत बेकार है, रिक्स रहता है। हम लोग जहाँ आ रहे थे वहाँ पैसा मिला ना तेरे को, कितने रुपए? दो रुपए। इसको एक रुपए पहले मिला पानी के अंदर और एक रुपए बाद में मिला, तो पैसा कहाँ है दूसरा वाले दोनों? हाँ गाइस, इसको पैसा मिला पानी के अंदर। हाँ भगवान जी पे पैसा है वो। हाँ अपन लोग अभी पहुंच गया यार, पैर में छाले पड़ गए, मजा आया, बहुत मजा आया। देख ये कुछ ज्यादा एक्टिंग हो जा रहा है इनका। हाँ सही बताऊँ तो इस पर कुछ भी बोलूँ, ये नैतिक और ये दोनों कितनों भी गाली चुना था मेरे हाथ से, काम करने में भी बहुत ज़्यादा आगे है और है अगर से, और चुप, और कोई अगर से इनके जगह बच्चे होते ना तो इतना नहीं चल पाते यार, मतलब फट जाता उनका, पता है बहुत गंदे से सच में, क्योंकि ये लोग क्या गाँव के हैं ना, तो ये लोग को काम वाम करने का आदत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लोग इतना सेक नहीं रखते हैं आपको। चौक 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 ये सब नहीं गाइस, ये थोड़ा सा अलग फ्लो पे चल जाता है, इसको इग्नोर करो। इस मेरे छोटे भाई लोग दिल से बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा मेहनती है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, वो लोग के सामने ऐसा तारीफ नहीं कर रहा हूँ, है वो लोग सबसे बेस्ट फीलिंग था यहाँ का, बहुत अच्छा मेमोरी था, मेरे को याद रहेगा ये जगह, सबसे बेस्ट जगह था इस जर्नी का भी, मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ। और अपना अभी 11 बजे चेकआउट टाइम है, अपने यहाँ से भी अपन निकलने वाले हैं, धर्मशाला खाली करेंगे और उसके बाद अपना अभी ट्रेन है, तो चलो निकलते हैं अपन। अपन रूम चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ का रूम भी बहुत सस्ता है। बाय बाय, ये प्लेस बहुत याद रहेगा, अपने रूम के नीचे जस्ट राधे कृष्ण का मंदिर था यार, बहुत मजा आ गया। ये देखो, चल भाई रजत, थैंक यू मेरा भाई, इतना मदद किया यार। जूता उतार, जूता उतार, फोन चोरी कर लेंगे, चल भाई।